अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी हाँ, ठीक देख रहे हैं आप लोग। आज हम लोग बीच में आए हैं, छुट्टी वाला दिन है तो हमने बोला कहाँ जाया जाए, तो सीधा हम लोग उसके बीच आ गए। तो बड़ा ज़बरदस्त है और आपको मैं माहौल दिखाता हूँ। बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छा, हम लोग बीच इसलिए आते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बीच अच्छा लगता है। परीक्षा एंड एलमा दे लव बीच, दोनों सैंड से खेलती हैं और इनको जो है ना डाइविंग करने का भी बड़ा शौक है, पानी में लिटरली पानी में जाने का बहुत शौक है। तो बीच में आ गया, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया, मुझे भी, मैंने भी काफ़ी स्विमिंग की बच्चों के साथ। तो आपको ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एक नई चीज़ आज मैं देखता हूँ, वैसे होती होगी लेकिन मेरी नज़र पहली दफ़ा पड़ी है कि बीच में लोगों ने जो है ना माहौल बनाया हुआ। आप चेक करें गाइस, पूरा सिस्टम लगा के लोग जो है ना यहाँ पे फुल पार्टी वाला, वो क्लब वाला माहौल, डांस वाला माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर सारे जो है ना मज़े से डांस कर रहे हैं, यहाँ पे डीजे वगैरह भी आया हुआ है भाई, प्रॉपर सेटअप है। और यहाँ मेरी बड़ी वाली आई हुई है। एल्मा, डू यू वांट टू डांस? ओके, गो डांस। ये मेरे छोटे भी स्टार्ट हो गए भाई, ये छोटी को चेक करो। साथ साथ जो है ना, अब मैं सुन रहा हूँ दोबारा पानी में डुबकी मार दी जाए। ओके गाइस, बीच से फ्री हो चुके हम लोग, बड़ा मजा आया, बहुत शुगर किया हमने, भूख लगी है बस मजेदार वाली नहीं लगी। अच्छा भाई, हम लोग खाएंगे, अब्बू नहीं खाएंगे। परीशन दादा खेल रहे हैं भाई, दोनों परीशन अब्बू मस्त खेल रहे हैं। क्या केएफसी खाएंगे बच्चे? यू वांट टू ईट चिकन? चिकन विंग्स ऑलवेज। आज दादा व्हाट ही इज गोना ईट? आई एम अ डियर। जाती है लेकिन इसको उर्दू बोलना नहीं आता। कमाल बिरयानी। तो गाइस सीन ये था, वहाँ पर टाइम इतना था नहीं, तो यहाँ पे एडिलेड में एक हैदराबादी बिरयानी मिलती है बड़ी मज़ेदार, तो वहाँ से हैदराबादी बिरयानी ली हमने टेक अवे और गाड़ी में बैठ के खा रहे, जैसे कंटेनर वगैरह हमने इंडियन दुकान से दी थी। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, चेक करें फुल स्पाइसी। अभी जो है यहाँ पर हमारे मरी ब्रिज में जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव में एक मैनम वाटरफॉल है, तो मैंने ऐसी अचानक ही माइंड बनाया कि चलो फॉल लेकर आता हूँ, पहले कभी नहीं आया फॉल में, मैनम वाटरफॉल में, तो बस अभी आके मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे लिए भी एक नई जगह है। चले आप साथ रहें, गाड़ी ऊपर बिल्कुल ऊपर पार्क करके नीचे वॉक करके आना होता है, संग पानी है थोड़ा नीचे साइड में जाके, और अब्बू आ रहे हैं आराम आराम से। अब गाइस चेक करें, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान, एक गाड़ी भी नहीं है भैया, अब यहाँ इतना क्वाइट है, आज यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, लेकिन आप चेक करें फैसिलिटीज़, चेक करें इनकी कि इन्होंने बाथरूम ज़रूर बनाया हुआ है, ताकि अगर जो लोग यहाँ पर हम जैसे लोग घूमने फिरने आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक छोटा सा सेटअप।
तो ये है मैनम। अभी कोई ना नजर आया फिर वो। क्या अबू कैंगरू? हाँ मुझे भी दिखे थे, तीन चार नजर आए। उधर ना नजारा कितना प्यारा मैनम का, ना बंदा ना बंदे की जात। हाँ वाटरफॉल वहाँ है, अब वो पता नहीं कैसे आ रहा है, वो चलता हुआ ऐसा है, फ्रेश नजारा। हाँ दिल खुश हो गया ना देख के। वाह वाह नहीं अब बच्चों का काम है, अरे खतरनाक है अबू। आराम आराम से देखिए, स्लिप नहीं होना यहाँ पे गाइस, के जो है ना बड़ा जो है ना बड़ी तेजी से नीचे ढलान है, रोड को बड़ा देख के आपने जो है ना चलना है, वरना अगर स्लिप हुए तो बुरा हाल है फिर। अबू देख लिए ऊपर भी आना ऐसे ही। तो गाइस सीन ये था कि और रास्ता है वहां से भी नीचे जाने का, आप देख सकते हैं नीचे है जाने का रास्ता, लेकिन जो है फिर असल में नीचे जाना तो सिर्फ नहीं, हमें वापस ऊपर भी आना है। इसलिए बस प्लान किया कि बस यहीं से वापस रिटर्न हो जाता है गाड़ी के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए गाड़ी के पास, अब अब्बू का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा अच्छा गाइस, यहाँ के आने का प्लान नहीं था, ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी धोने गया हुआ था, तो अचानक माइंड बना यार, अचानक माइंड में आया कि चलो मैनम लेके चलता हूँ अब्बू को, तो बस उधर ही से सीधी गाड़ी घुमाई है और सीधा घर में अब्बू को बता दिया था कि अब्बू हमें मैनम ले आना, दैट्स इट। थोड़ा टाइम लग जाएगा तो बस उसके बाद हम लोग सीधा आ गए। अब्बू आ रहे हैं आराम आराम से गाइस। अब्बू कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपका जो हार्ट है ना वो भी धम धम कर रहा होगा अभी कि क्या हो गया अचानक? भूख लगी थी अभी? हाँ चलो अच्छा है, वैसे मुझे तो नहीं लगी थी लेकिन अच्छा है मैंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा गाइस यहाँ जो हम लोग मैनम आए हुए थे, यहाँ मैनम में एक हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट है पंजाबी स्टाइल, तो वहाँ फिर मैंने वाटरफॉल से हम लोग सीधा फिर यहाँ पर आ गए थे, और वैसे अब्बू को भूख भी लग गई थी तो इसी बहाने चलो मैं भी खा लूँगा। तो लास्ट टाइम हम लोग इनके रेस्टोरेंट में आए थे ना तो हमने पकोड़े ऑर्डर किए थे, पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, तो चलो माहौल बन जाएगा पकोड़े आएंगे तो फिर पकोड़े के साथ चिकन टिक्का मसाला और दो ब्रेड की हैं उसके साथ, आई थिंक ये हमारे लिए इनफ होगा, इनफ होगा ना, काफ़ी होगा। अब्बू हम लोगों ने अभी जितनी वॉकिंग करके अपनी कैलोरीज जलाई हम लोग वापसी इसको डबल बनाने आ गए। जी कसम से थोड़ी सी जली होगी और वापसी आ जाएगी डबल ट्रिपल हो गए। ये पकोड़े ना मिक्स है तो मैं सारी सब्जियां आपको देखूंगी कैसा है। जबरदस्त अच्छा हो रहा है, जबरदस्त। चिकन टिक्का मसाला कैसा है? सही है ये भी अच्छा है।